नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, विरार रेलवे स्टेशन से 4 साल के मासूम के अपहरण की एक खौफनाक घटना सामने आई है। हालांकि इस घटना के बाद में कुछ ही घंटों में उस मासूम को अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ा दिया गया है और रेलवे पुलिस ने कहीं ना कहीं मामले को संज्ञान में लेकर काफी जल्दी में कुछ घंटों के दरमियान में मामले का खुलासा कर दिया। पूरी घटना कुछ ऐसी है कि जो आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, इस सीसीटीवी फुटेज विरार का है, जहां विरार में एक मां अपने 4 साल के बच्चे को साथ लेकर आई थी। मां को नींद की झपकी लगी, तभी मौके का फायदा उठाकर एक आरोपी जिसका नाम शमशाद मंसूरी उर्फ राजेश राम अवतार यादव बताया गया है, जिसकी उम्र 21 साल है, जो कि बिहार का रहने वाला है। इस आरोपी ने मौके का फायदा उठाया, मां को जब थोड़ी नींद लगी तो मौके की नजाकत देखकर उसने तुरंत वहां से बच्चे को उठा लिया और चलती गाड़ी में सवार हो गया। मां जब होशियार हुई और उसे आसपास देखा तो अपना बच्चा कहीं दिखाई नहीं दिया। मां ने तुरंत बच्चे की खोजबीन की और मामले की जानकारी वसई पुलिस स्टेशन को दी, वसई रेलवे पुलिस को दी। वसई रेलवे पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत ही एक्शन लिया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उस आधार पर इस आरोपी को मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से गिरफ्तार किया गया। घटना के कुछ ही घंटों में इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद में इस आरोपी को कोर्ट में हाजिर किया गया और इस घटना की जानकारी देते हुए वसई रेलवे पुलिस के सीनियर पीआई सचिन इंगोले ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए आप आगे वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। कल इतवार को दोपहर 1:30 बजे के करीब वसई रोड रेलवे पुलिस स्टेशन के अंतर्गत विरार रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 3-4 पे एक महिला अपने 4 साल के बच्चे के साथ बैठी थी। वहाँ पे उसकी आँख लग गई। इसका फायदा उठाकर किसी अनजान आदमी ने उसका जो बच्चा है उसको लेके वहाँ से भाग गया। वह महिला ने उसका स्टेशन पे और आजू बाजू के परिसर में शोध लिया, ढूंढा उसको, लेकिन वो उसको मिला नहीं। तो शाम को उन्होंने पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट किया कि किसी अनजान आदमी ने उसके बच्चे को अगवा किया है। उनके कंप्लेंट पर वसई रोड रेलवे पुलिस स्टेशन में CR नंबर 537 अंडर सेक्शन 363 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सर, इसमें और कोई उसका साथीदार है या ये क्या करने वाला था, बच्चे को लेके कोई बेचने वाला था या कोई टोली से संबंधित है? कि जो आरोपी है उसका हमने CCTV फुटेज में देख के फॉलोअप ले लिया और हमारी जो टीम है, डिटेक्शन टीम है, और हमारे जो अधिकारी है उन्होंने तत्काल इसमें इन्वेस्टिगेशन करके जो आरोपी है उसको CSTM रेलवे स्टेशन से ताबे में ले लिया और उसको ये केस में अरेस्ट किया गया है। आरोपी जो है उसका मूल जो गांव है वो बिहार का मुजफ्फरनगर जिला है। प्राइमरी जो इंक्वायरी उसके पास किया, इंट्रोगेशन किया, उसमें उन्होंने बताया कि वो 4-5 दिन पहले मुंबई में आया है और वो बच्चे को लेके अपने गांव जा रहा था, गांव जाने वाला था, तभी हम लोगों ने उसको अरेस्ट किया है। सर, ये बात सही है कि अगर हम लोग लेट हो जाते थे, पुलिस टीम लेट हो जाती तो ये निकल जाता था और उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता था। बिल्कुल, उसका कोई आता पता या यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं है, अगर वो एक बार यहाँ से निकलता था तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो हमारी टीम ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है कि उसको तुरंत एक्शन लेके पकड़ लिया। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर